हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का डेटा स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन है एनआईसी का। ये पार्ट टू है, पार्ट वन ऑलरेडी सॉल्व करके वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रिलेटेड है। इसको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम लोग को इवेलुएट करना है। ये हमारा एनआईसी साइंटिस्ट भी 2018 में पूछा गया डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, तो इसको सिंपली हम लोगों को इवेलुएट करना है। हम लोग स्टैक के थ्रू इवेलुएट कर देंगे, सॉल्व करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं इसका कि क्या है सॉल्यूशन। जैसे कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 10 पर 10 प्लस 66। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो फर्स्टली यूज़ हम लोग स्टैक करेंगे इसमें, तो जो पहला दो एलिमेंट है 10 10 उसको हम लोग पुश कर देंगे, पहले 10 को, फिर दूसरे 10 को हम लोग पुश करेंगे लेफ़्ट टू राइट, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोगों को पुश करना है। फिर जब ये जैसे ही हम कोई भी ऑपरेटर फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटर, तो हम दो एलिमेंट जो ऊपर के स्टैक में होगा उसको पॉप करेंगे। तो पॉप करने पे हम लोगों ने पहले इस 10 को किया, फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटर लगाया और फिर इस 10 को किया, तो इवेलुएट होके हमारा आया 20 रिज़ल्ट। अब ये वाला जो है ये हमारे स्टैक के टॉप पर जाकर, क्योंकि ये ऑलरेडी 10 10 हो चुका है, तो हमारा स्टैक अभी एम्प्टी स्टेट में है। क्लियर? तो अब एम्प्टी स्टैक में हम लोगों ने क्या डाला, 20 डाला और फिर हम लोग बढ़ते गए इसकी तरफ। यहाँ तक का काम हो चुका है, यहाँ तक का रिज़ल्ट हम लोगों को फाइंड आउट हुआ 20, फिर 20 डाले, फिर 60, फिर 6, जब तक हमको ऑपरेटर नहीं मिलेगा। 20, 60 और 6 हम लोगों ने पुश कर दिया, तो हमें क्या मिला, डिवाइड ऑपरेटर मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो एलिमेंट को जो टॉप पे स्टैक के होंगे उसको डिवाइड करेंगे। 60 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 10, हमारा यहाँ पर 10 फाइंड आउट हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, 20 तो ऑलरेडी हमारा पुश है क्योंकि इसका काम नहीं हुआ था, फिर 10 को हम लोगों ने डाला टॉप ऑफ द स्टैक, तो फिर 20, फिर ऑपरेटर हमारा कौन सा आया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो 20 × 10 इक्वल्स टू 200 हमारा ये आया। फिर 200 और 8 है हमारे स्टैक पे, तो करेंगे 8 को पुश कर देंगे इसके रिज़ल्ट को। फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऑपरेटर, तो 200 - 8 इक्वल्स टू 192, तो ये 192 हमारा रिज़ल्ट होगा। आप जाके चेक कीजिए, ऑप्शन में हमारा सबसे पहला ऑप्शन 192 है। तो ये ऐसे ही एक्सप्रेशन, इसको एवेल्युएट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है 192। इसको सॉल्व करके हम लोगों ने देखा है कि 192 कैसे आया है। फाइनली 200 - 8 को सॉल्व किया है तो 192 आया है, करेक्ट आंसर इज़ 192। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी डेटा स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए डैश इज़ ए लीनियर लिस्ट इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन आर मेड फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब इंसर्शन और डिलीशन जो है वो किसी भी एंड से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, फ्रंट और रियर दोनों से। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टैक, ऑप्शन में स्टैक है, तो स्टैक तो हो ही नहीं सकता है, इसके लिए हमको क्यू की ही ज़रूरत है। तो सी तो पहले कट गया। प्रायोरिटी क्यू में होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड इंसर्शन होता है, मतलब जिस एलिमेंट का प्रायोरिटी हाई होता है उसको पहले इंसर्ट किया जाता है। सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि हमारा डिसएडवांटेज होता है कि लीनियर क्यू का, सिंपल क्यू का, कि हमारा मेमोरी बेस्ड होता है, या फिर तो वही डिसएडवांटेज को कवर करता है सर्कुलर क्यू। लेकिन हमारा जो डी क्यू होता है, इसमें हम लोग दोनों ही एंड से, फ्रंट एंड और रियर एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, वही इसका आंसर है। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ये सिंपली हमारा डिफिनीशन पे क्वेश्चन है। अगर जो डी क्यू के बारे में पढ़े हुए हैं तो समझ गए होंगे कि डिफिनीशन बेस्ड है। देखिए, ऐड एलिमेंट एट रियर एंड, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम रियर एंड। फ्रंट एंड से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली क्या होता है, रियर एंड से हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फ्रंट एंड से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, सिंपली क्यू में, सर्कुलर क्यू में, किसी भी क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में भी। लेकिन एक डी क्यू ही एक यूनिक हमारा ऐसा क्यू है जिसमें हम लोग रेयर एंड से ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, और फ्रंट एंड से भी ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यही है हमारा सॉल्यूशन, जो एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया है। तो हमारा इसका आंसर होगा डी क्यू ऑप्शन होगा। स्टैक नहीं होगा, प्रायोरिटी क्यू होगा, और सिंपल क्यू भी नहीं होता है, सर्कुलर क्यू भी नहीं, डी क्यू क्यू। उसका एक्सप्लेनेशन एक छोटे से एग्जांपल में था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2018 में ही पूछा गया क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का। कौन डैस टू इवेलुएट एन एक्सप्रेशन एंड एग्जीक्यूशन विदाउट एनी इम्बेडेड फंक्शन कॉल्स। हम लोगों को कितने सारे स्टैक्स का रिक्वायर होता है, मतलब अगर हम इवेलुएट करना चाहते हैं किसी एक्सप्रेशन को विदाउट एनी फंक्शन कॉल्स, तो हम लोगों को कितने मतलब स्टैक्स में काम हो जाएगा। दो स्टैक की ज़रूरत होगी, वन स्टैक की ज़रूरत होगी, तीन स्टैक की ज़रूरत होगी, या फिर मोर देन थ्री स्टैक की हम लोगों को ज़रूरत होगी। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक आर कन्वर्टिंग इन फिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इवेलुएटिंग पोस्टफिक्स प्रीफिक्स एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस मैचिंग विथ वन स्टैक, ऑल्सो वी कैन ईजली इवेलुएट द एक्सप्रेशन। मतलब सिंपली अगर फंक्शन कॉल वगैरह यूज़ नहीं भी करें हम लोग, तो हम लोग सिंपली किसी भी एक ही स्टैक को यूज़ करके हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया था, तो एक ही स्टैक में हम पुश भी कर रहे थे, पॉप भी कर रहे थे, और जैसे ही ऑपरेटर आ रहा था तो इवेलुएट कर दे रहे थे, और फिर उसी एलिमेंट को हम फिर उसी स्टैक में सेम स्टैक में पुट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, और पुश करने के बाद फिर दूसरा भी पुश करके फिर हम लोग पॉप करवा रहे थे। तो ओनली वन स्टैक नीडेड, वन स्टैक से ही हम सारा काम कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, वो भी इसका एक छोटा सा एग्जांपल है। तो चीज़ें क्लियर है, हम लोगों को तीन, दो, मोर देन थ्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वन स्टैक एनफ होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हम लोग जो भी अपडेट देते हैं आपको मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक दीजिए। और इसका पार्ट वन भी बनाया गया है, तो पार्ट वन भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके लिंक पे क्लिक कीजिए। और भी सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बना के डाले गए हैं, तो वन बाय वन वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।